मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे। 321 नगरीय निकायों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यात्मक स्थिति पेश की है। नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर चुनाव करा ले जाएंगे। 24 मई से पहले अधिसूचना जारी की जाएगी। निकाय चुनाव में ओबीसी सीट पर भी जनरल सीट से चुनाव होंगे। नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारी भी जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग 2022 की स्थिति में पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव के हिसाब से मध्य प्रदेश में ईवीएम नहीं है। ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने में 3 महीने का समय लग जाएगा, जबकि बैलेट पेपर से महीने भर में ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे। इसलिए पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया गया है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी बैठक में मौजूद रही। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ओबीसी आरक्षण, निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। आगामी समय में चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और हम सब ने तय किया है कि इस चुनाव में बड़े उत्साह के साथ संगठन तंत्र की मजबूती, विकास के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इन मुद्दों पर इस चुनाव में गंभीरता के साथ उतरेंगे और सबने मिलकर के तय किया है कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। तो इसलिए ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से आज प्रमुख कार्यकर्ता बैठ करके उस पर हमने व्यापक विचार और मंथन किया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। दोनों ही दल विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अगले 4 दिन कई योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं और प्रदेशवासियों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के सामने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की चुनौती है और इस चुनौती से पार पाने के लिए दोनों ही दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। इसलिए दोनों ही दल जनता को लुभाने का मौका छोड़ना नहीं चाहते। बात बीजेपी की करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अगले 4 दिन ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं और लोगों को कई सौगात भी देने वाले हैं। सीएम शिवराज संबल योजना में 600 करोड़ अनुग्रह राशि का वितरण करेंगे। 17 मई को सीएम प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश और 12,000 करोड़ योजनाओं की शुरुआत करेंगे। 18 मई को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1,650 करोड़ की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। 19 मई को नगरीय भू अधिकार योजना में प्रमाण पत्रों का वितरण सीएम शिवराज करेंगे। 20 मई को कायाकल्प अवार्ड में भी सीएम शिवराज हिस्सा लेंगे। इनमें अलग अलग कार्यक्रम तय हुए हैं। यहाँ एक जगह पर माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरे स्थान पर प्रभारी मंत्री रहेंगे। 16 तारीख को हमारे और 17 तारीख को हमारा नगरोदय कार्यक्रम होगा। 16 तारीख को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि डाली जाएगी। 17 को नगरोदय कार्यक्रम में ही मूंग दाल के वितरण का कार्यक्रम 17 तारीख को हुए। वहीं कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की जमीनी हालत खराब है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ी है कि चुनाव कराना पड़ेगा नगर पालिका पंचायत के, इसलिए घबराहट में सब काम हो रहे हैं। ये कोई जनता के हित के लिए नहीं है, ये स्वहित के लिए सब काम हो रहा है। विधानसभा चुनाव के 1.5 साल पहले नगरी निकाय और पंचायत दोनों के चुनाव हो रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का पेज भी फंसा है। ऐसे में ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बनकर सामने आए हैं। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।